हेलो गाइस, देखिए हम लोग किस तरह से काम चलता है, कितना हार्ड वर्किंग होता है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में सामान पहुंचाना होता है। तो देखिए अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से गाड़ी बैक हो रहा है, इसमें सामान है। ये गाड़ी से सामान उतार के इस बिल्डिंग में रखना है, इस बिल्डिंग में। अभी हम लोग इधर से गाड़ी घुसाने का सोच रहे हैं, यहाँ पर देखिए रास्ता कुछ ठीक नहीं है बरसात की वजह से। देखिए गाड़ी किस तरह से बैक किया जा रहा है, यहाँ पर वहाँ दिक्कत परेशानी हो रहा है वहाँ पे पाइप की वजह से, फिर भी बैक किसी तरह से करना ही है। इधर से गाड़ी अंदर की ओर ले जाना है, ये साइड में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है। इसमें आधा सामान उतर चुकी है, हम ही लोग ने उतारा है, और आधा सामान बाकी है जो इस बिल्डिंग में उतारना है। लेकिन गाड़ी बैक करने में परेशानी हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग को दिखाते हैं, ये थैली है, ये थैली में हम लोग का सामान है। देखें बोतल में हम लोग पानी पीते हैं, सामान ढका हुआ है। सामान के अंदर आप लोग को दिखाते हैं क्या है, बोर्ड है, त्रिपाल से ढका हुआ है ताकि ना भींग जाए बारिश की वजह से, क्योंकि मौसम पूरा ख़राब है। अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बैक हो रहा है। देखिए लगता है गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए इसको आगे करके अंदर ले जाना होगा गाड़ी को। देखिए गाइस गाड़ी पैक करते वक्त गाड़ी किस पोजीशन में खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी अभी भी स्टार्ट ही है। गाड़ी नहीं दबाए, नहीं दबाए, आइए हो जाएगा। पाइप को हटाना पड़ रहा है वहाँ से। गैस हम लोग यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, देखिए किस प्रकार से काम हो रहा है। यहाँ पे पेंट हो चुका है, देखिए वहाँ से पेंट करते करते ये अपना पेंट कंप्लीट कर लिए हैं और ये जा रहे हैं गाड़ी को बैक करते हुए। जाइए जाइए जाइए, पूरा पीछे जाइए, ड्राइवर काफी गुस्से में। गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे, ड्राइवर काफी गुस्सा हो रहा है हमारे उस्ताद, पता नहीं क्या होने वाला है। हमारे जो ड्राइवर जी हैं उनका गुस्सा करना जायज़ था, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हुआ है वहाँ। हमारे ड्राइवर जी का गुस्सा करना जायज़ था, देखिए जिसका डर था आखिर वही हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ। अब लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं कि काम किस तरह से होगा। अब तो गाड़ी यहाँ पर फंस चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए बैठे बैठे सबको बोर लग रहा है, आधा पे पबजी खेलने चले गए हैं जो हमारे साथ आए थे काम करने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है, क्या करें दोस्त, सेंटर पर से लग रहा है काम चलाना पड़ेगा। अभी यही थोड़ा बहुत हमारा पेट को संतुष्टि ही दिलाएगा। जाते हैं आगे की ओर बैठते हैं। अरे ये कुत्ता किस प्रकार सोया हुआ है, देखते हैं। इसको चोट लगा हुआ है शायद, यहाँ पे शायद किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है ये कुत्ते ने। चलिए कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। देखिए गाइस गाड़ी कितनी बुरी तरह से फंस चुका है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ सट गया है रेल में, यहाँ देखिए किस तरह से चक्कर घुस गया है मिट्टी के अंदर। लग रहा है क्रेन गाड़ी यहाँ पे मंगाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ड्राइवर जी बहुत गुस्से में है, फोन कर रहे हैं, बहुत ही टेंशन में भी।
चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी तो निकल चुकी है, इसकी बहुत खुशी है हमें। गाड़ी उस दलदल से निकल चुकी है, देखें वहाँ पे फंसा हुआ था गाड़ी इस जगह पे। जेसीबी की और क्रेन गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। देखिए इस दलदल में फंसा हुआ था गाड़ी। चलिए लगता है अब काम जल्दी पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काम करके घर जा पाएंगे। आइए 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 आइए, अभी सामान रखने वाले हैं, ये सबको अभी साफ करना पड़ रहा है। यहाँ पे गाइस अभी हम लोग सामान रखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अभी सामान रखने वाले हैं। साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, देखिए आधा माल खाली हो चुका है और यहाँ पे सफाई हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग का सामान हो जाएगा इस जगह पे। देखिए हम लोग यहाँ से अभी आने वाले हैं सामान लेकर। हम लोग गाड़ी से सामान उतार के इस रास्ते से हम लोग ले करके अंदर हम लोग को रखना है। आप लोग ले जा रहे हैं उस जगह दिखाने के लिए। अभी इस जगह पे देखिए, अरे यार रास्ता कैसा है। इस जगह पे हम लोग को यहाँ पे रखना है सामान। आधा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, जो यहाँ पर था ये सब कचरा, वो सब को हम लोगों ने साइड कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग को सामान रखना है। देखिए ये अभी काम चल ही रहा है इस बिल्डिंग पे। देखिए गाइस यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है बहुत ज़ोर शोर से। हम लोग को ऊपर की फ्लोर में रखना था, लेकिन वहाँ कैंसिल हो गया गाड़ी फंसने की वजह से। आप लोग तो देखे ही थे आप लोग। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, देखिए अब जाके थोड़ा सा पेट में राहत मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं नाश्ता आ चुका है, यहाँ पे कचौड़ी है, डोसा है।
नाश्ता के साथ साथ मिर्चा भी मिला है, बहुत ही मिर्चा नहीं खाते हैं लेकिन खाना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। सभी लोगों ने अभी नाश्ता कर लिया है जस्ट अभी, और अभी काम को कंटिन्यू करना होगा ताकि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जल्दी काम ख़त्म नहीं होगा और जल्दी घर नहीं जा पाएंगे। यह प्लास्टर बोर्ड 12.5 mm का हम लोग को इस बिल्डिंग में खाली करना है। काम करके पूरा थके हुए हैं, इनका बॉडी भी काम करके ही बना, चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि सारा काम अभी हो चुका है। आए थे आयम काम करने के लिए, अभी काम खत्म हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घर। ये बहुत दिन बाद राहत मिल रही है, ऐसा लगा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग घर जाने से पहले पैर हाथ धो लेते हैं। स्नान करके जाना पड़ेगा, स्नान कर ही लेते हैं, नहा धोवा लेते हैं, बहुत ही गंदा हो चुके काम करके गाइस। नहाने वाले अभी पानी पानी बहुत अच्छा। तो गाइस अभी हम लोगों ने नहा लिया है, बहुत ही अच्छा फ्रेश महसूस हो रहा है अभी तो। देखिए उधर हमारे दोस्त लोग नहा रहे हैं बहुत ही मज़े से देख देख के। हेलो दोस्तों, अब मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है गाइस, बहुत ही हार्ड वर्क, और ये हार्ड वर्क करना हम लोग का मजबूरी है। क्या करें गाइस, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग का दैनिक जीवन में जो खर्चा होती है वो पूरा नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी बहुत बेहद ज़रूरी है। तो गाइस अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़ोर से भूख भी लगी, तो अभी चलते हैं खाने। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।